सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो आप मजे में होंगे। सो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं क्राफ्टिंग बिल्डिंग। और गाइस, आपको थंबनेल देख के और यहाँ बैकग्राउंड में देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ क्राफ्टिंग बिल्डिंग में। तो हाँ गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो को आप अच्छे से देखना और पूरा देखना, तभी आपको पता चलेगा कि इसको आपको कैसे अपने क्राफ्टिंग बिल्डिंग में लाना है और प्ले करना है। सो ओके गाइस, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे आप इसको प्ले कर सकते हो। तो गाइज, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ देखो हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ पे खड़ा है। और गाइज, ये देखो की है इसका मेरे पास, आपको इन्वेंट्री में दिख रहा होगा। तो गाइज, मैं इन्वेंट्री खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। तो आपको इन्वेंट्री में जाकर बस आप HELB बस लिखोगे ना, तो आपका आ जाएगा। बाकी आप पूरा हेलीकॉप्टर भी लिख सकते हो, तो आपका की यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइज, मैंने यहाँ पे पहले से स्पॉन करके रखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे अपना की वापस रख दे रहा हूँ। सो गाइज, इसके पास जैसे ही मैं जाऊँगा तो राइड का ऑप्शन आता है। सो गाइज, चलो सबसे पहले मैं इसको चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ ये कैसा दिखता है। तो गाइज, ये देखो पूरा रियल हेलीकॉप्टर जैसा दिखता है, और इसका इंटीरियर को भी आपको मैं दिखाऊंगा, वो भी ज्यादा अच्छा दिखता है। सो ओके गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे राइड का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, देखो मैं इस पे बैठ गया हूँ। अब ये उड़ने लगता है, जैसे आप ऊपर का देखोगे और ऊपर वाला आप जब बटन यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये उड़ने लगेगा। सो गाइस, मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो मैं कैसे इस पे बैठा हुआ हूँ, कितना मस्त लग रहा है और ज्यादा अच्छा लगता है। गाइस, आपको इस अगर आपके पास ये है तो आपको इलाइट्रा की क्या जरूरत होगी, आप इससे पूरा अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर तक जाता है। इसका हाइट भी मैं आपको दिखाऊंगा कितना हाइट तक ये जा सकता है। तो ओके गाइस, अब एक बार इसका इंटीरियर देख लो। इंटीरियर कुछ ऐसा दिखता है इसका, एकदम रियल लाइफ हेलीकॉप्टर जैसा ये दिख रहा है। अगर आप लोगों ने पबजी भी खेला होगा तो उसमें भी कुछ ऐसा ही रहता था हेलीकॉप्टर पेलोड मोड में। तो गाइस, ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यार, आप लोग ऐसे ही चला सकते हो। आप लोग थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन कैसे भी करके आप इसको चला सकते हो और मजे उठा सकते हो। आपको इलाइट्रा की भी कोई जरूरत नहीं होगी, आप इसी से उड़ना चारों तरफ और अच्छे से अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना। तो ओके गाइस, चलो मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि इसका हाइट लिमिट कितना है। तो ओके गाइस, आप देख ही पा रहे हो कि कितना हाइट तक ये आ चुका है। ये जो क्लाउड्स होता है हमारे क्राफ्टिंग बिल्डिंग में, उससे भी ऊपर आ चुका है। सो गाइस, इसको और ऊपर लेके चलते हैं और देखते हैं कि इसका हाइट लिमिट कितना है और हम लोग कितना ऊपर तक जा सकते हैं। सो गाइस, अब इसके ऊपर नहीं जा रहा है। सो गाइस, हाँ गाइस, यहीं तक इसका हाइट लिमिट है, इतना ही ऊपर तक ये उड़ सकता है। आप इतना ऊपर तक इसको उड़ा सकते हो और कहीं भी इस जा सकते हो। सो गाइस, अगर आपको इसको नीचे करना है तो सिंपली आपको नीचे की तरफ देखना है, ये नीचे चला जाता है। सो ओके गाइस, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। वहां जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पर सर्च करना है एडवांस फॉर माइनक्राफ्ट। सो गाइस, इसको आपको चलाने के लिए सबसे पहले माइनक्राफ्ट वाला टेक्सचर पैक लगाना होगा। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा। सो ओके गाइस, आप ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद जब इसको आप ओपन कर लोगे तो यहाँ सर्च के ऑप्शन पर जाकर आपको सर्च करना है बैड वर्ड। सो गाइस, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है और हमारा थर्ड नंबर पे ये वाला आ चुका है एडवांस। आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आप इसको वापस से ऑन कर लेना ये वाला एप्लीकेशन को, और आप यहाँ पे सर्च करना हेलीकॉप्टर। आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर जब सर्च करोगे तो आपका यहाँ पर वो वाला एडवांस आ जाएगा। सो गाइस, मैं यहाँ से जल्दी से हेलीकॉप्टर सर्च कर दे रहा हूँ। ओके गाइस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ चुका है। सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर रिसोर्स पैक और बिहेवियर पैक दोनों है। सो गाइस, आप इसको दोनों को डाउनलोड करना, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेना। दोनों को आपको बारी बारी से इंस्टॉल करना होगा, तभी ये वर्क करेगा। सो गाइस, मैं यहाँ पे जल्दी से इंस्टॉल कर लेना हूँ। और गाइस, मैं एक को इंस्टॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ। सो गाइस, इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पर क्राफ्टिंग बिल्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आपको उस पर टैप कर देना है। सो गाइस, हमारा उसके बाद क्राफ्टिंग बिल्डिंग ओपन हो जाएगा। ओके गाइस, अब देख ही पा रहे होगा यहाँ पे इंपोर्ट स्टार्टेड होने लगा है। और गाइस, यहाँ पे मेरा फेल्ड हो जाता है क्योंकि मैंने पहले से करा हुआ है, इसलिए यहाँ पे डुप्लीकेट पैक दिख रहा है आप लोगों को। सो ओके गाइस, अब हम लोग उसको ऐड करेंगे जो जो हम लोग डाउनलोड किए हैं। सो गाइस, सेटिंग में हम लोग चले जाएंगे, टेक्सचर पैक में हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पर हम लोग को ये पैगी स्ट्रक्चर पैक दिख जाएगा जो कोई माइनक्राफ्ट में हम लोग का कन्वर्ट कर देगा। सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया है और हमारा क्राफ्टिंग बिल्डिंग यहाँ पर माइनक्राफ्ट में कन्वर्ट हो चुका है। सो गाइस, अब हम लोग फिर से सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर ग्लोबल रिसोर्स का ऑप्शन होगा नीचे में, वहाँ पर हम लोग जाएंगे और यहाँ से माई पैक्स में जाके हम लोग उसको एक्टिवेट कर लेंगे। सो गाइस, मैंने एक्टिवेट किया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर नाम का ये एडवांस है। उसके बाद गाइस, हम लोग प्ले के ऑप्शन पे जाएंगे, कोई सा भी वर्ल्ड क्रिएट कर लेंगे। आप एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आपको कि नए वर्ल्ड क्रिएट कर लेना। आप सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ से ऑन कर लेना। उसके बाद रिसोर्स पैक में जाके आप इसको एक्टिवेट कर लेना, फिर बिहेवियर पैक में भी जाके इसको आप एक्टिवेट कर लेना। उसके बाद गाइज, आपको कुछ नहीं करना, आप प्ले के ऑप्शन पर जाके प्ले कर सकते हो। और गाइज, अगर आपको ये क्राफ्टिंग बिल्डिंग वाला ही टेक्सचर में खेलना है, सो गाइज आप इसको कुछ मत करना, प्ले के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, प्ले हो जाएगा। उसके बाद आप गेम को वहां से एग्जिट कर लेना। सो गाइस, आपका वर्ल्ड सेव हो जाएगा। अब आप वापस से जाके सेटिंग के टेक्सचर पैक में वहां से हटा देना पैगी स्ट्रक्चर पैक को। सो गाइस, आपका क्राफ्टिंग बिल्डिंग वापस से बन जाएगा। उसके बाद गाइस, आप वही वाले वर्ल्ड में चले जाना और आपका वो वर्क करेगा एकदम 100%। ओके गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, हम लोग 11K के क्लोज जाते जा रहे हैं, तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो गाइस, आपको ये
एडवांस कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको वर्क किया कि नहीं ये भी बताना। और गाइस अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। सो ओके गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I'm